Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video clips. Today 27 जुलाई ऑफ 2020 एंड सम मंडे टुडे। चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ बात कर लेते हैं। हम आज से एक आंसर राइटिंग भी अपने टेलीग्राम चैनल में चालू कर रहे हैं, उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आप अपने आंसर भेजिएगा, हम एक ग्रुप दे देंगे, वहाँ पर आप आंसर दीजिएगा अपने। उसके बाद वो जो बेस्ट आंसर होगा उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल में लगाएंगे। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं, उससे पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं जैसे रोज हम लोग पूछते हैं। उनका आप जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं, हमें अच्छा लगेगा कि सभी लोग कमेंट करें। चलिए पहला क्वेश्चन आता है, चेंजिंग इंडिया जो बुक है उसके ऑथर कौन है? चेंजिंग इंडिया जो बुक है उसके ऑथर कौन है, पहला क्वेश्चन है। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएं ऑथर का नाम। दूसरा क्वेश्चन आता है, NCLAT जो है नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल, वो किस कंपनी एक्ट के द्वारा लाया गया था? कंपनी एक्ट 2012, 2013, 2014, कौन से कंपनी एक्ट के तहत उसे लाया गया था? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन से कंपनी एक्ट के द्वारा लाया गया था। तीसरा क्वेश्चन आता है, जो पीरियड ऑफ डिटेंशन होता है वो कौन से अमेंडमेंट में 3 महीने से घटाकर 2 महीने कर दिया गया? जो पीरियड ऑफ डिटेंशन होता है वो उसको कौन से अमेंडमेंट के द्वारा घटा के 3 महीने से 2 महीने कर दिया गया। फोर्थ क्वेश्चन आता है, कहते हैं कि कश्मीर जो सैफरन है, कश्मीर का जो सैफरन वो किस एरिया में जम्मू कश्मीर के उगाया जाता है सबसे ज़्यादा? तो आपको बताना है कि सैफरन सबसे ज़्यादा कहाँ पे उगाया जाता है कश्मीर के। ये चार क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक शुरू कर दें। तो चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं, पहली न्यूज़ आज देखेंगे। पहली न्यूज़ आती है, 200 प्रपोजल्स फ्रॉम चाइना वेट फॉर सिक्योरिटी क्लियरेंस पर MHA। क्या कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि 200 प्रपोजल्स आए हैं चाइना से, लेकिन अभी उन्हें वेट में रखा गया है सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए, कि जब तक सिक्योरिटी पूरी तरह से उसका सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हो जाता, पूरी तरह से देखा नहीं जाता कि वो सिक्योरिटी हमारी हार्म नहीं करता, तब तक हम उसे क्या कहते हैं आगे नहीं बढ़ने देंगे, ऐसे इसमें कहा गया। इसमें इंपॉर्टेंट आता है MHA, पहले लोग हम लोग MHA को देख लेते हैं, उसके बाद ये न्यूज़ देखेंगे पूरी। चलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, Question247 या डिस्क्रिप्शन पर दी लिंक से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखती है, मल्टीफेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसके पास, कई तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरेटरी, मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल आर्म फोर्सेज और डिजास्टर मैनेजमेंट, और कई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। ये इंट्रीज 1 और 2 ऑफ लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट में जो 7th शेड्यूल आता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें पब्लिक ऑर्डर और पुलिस आती है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट की। उसी तरह क्या कहते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कंटिन्यूसली मॉनिटर द इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होती है वो सारे इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन को भी देखती है, अप्रोप्रिएट एडवाइजरीज भी देती है, एडवाइजरी बोर्ड की तरह भी वर्क करती है, इंटेलिजेंस इनपुट्स भी प्रोवाइड करती है, एक्सटेंड्स मैन पावर एंड फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, और कई वर्क करती है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए करती है वर्क। चलिए हम लोग न्यूज़ देखते हैं अपनी, इसमें था, इसमें लिखा है कि 200 इन्वेस्टमेंट क्या कहते हैं प्रपोजल फ्रॉम चाइना वेटिंग सिक्योरिटी क्लियरेंस की, सिक्योरिटी क्लियरेंस के उनको रोका गया है, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की नई पॉलिसी है, इसको पॉलिसी को चेंज किया गया, नए रूल्स बनाए गए, क्या कहते हैं अप्रैल में नए रूल्स लाए गए थे, जिसके द्वारा बताया गया था कि जो इंडिया के साथ जो कंट्रीज शेयर करती हैं लैंड, जो बाउंड्रीज अपनी शेयर करती हैं, उनके लिए अलग क्या कहते हैं रूल्स हैं, उनके लिए क्या कहते हैं सिक्योरिटी क्लियरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा अप्रैल में पॉलिसी बन गई थी। इसमें वही लिखा है कि इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर, ये इंडिया शेयर करता है अपना लैंड बॉर्डर पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ करता है, तो इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम कंट्री दैट आर नॉट कवर्ड बाय रिवाइज FDI न्यू पॉलिसी Only have to inform the Reserve Bank of India after the completion of a transaction rather than seek prior clearance from the Administrative Ministry। जो इनके अलावा जो कंट्रीज हैं वो उनको क्या कहते हैं डायरेक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बताना होगा, ट्रांजेक्शन कम्प्लीट होने के बाद उनको क्या क्लियरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं होगी, ऐसा इसमें बताया गया। लेकिन जो ये कंट्री है उसमें जब से ये स्टैंड ऑफ हुआ है उसके बाद से ये रूल्स और टाइट हो गए और चेंजमेंट आया है इन रूल्स में, इसीलिए ऐसा है कि सिक्योरिटी क्लियर। इसमें ये भी लिखा है ग्रेटर स्क्रूटनी हो गई, द चेंज इन FDI पॉलिसी हैज लेड टू द MHA टेकिंग अ क्लोजर लुक एट फॉरेन इन्वेस्टर्स, कि जब से FDI पॉलिसी चेंज हुई है तब से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये फॉरेन इन्वेस्टर्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है,
इसमें ये भी लिखा है, और प्रपोजल फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर इन नॉन क्रिटिकल सेक्टर्स वर क्लियर थ्रू द ऑटोमेटिक रूट एंड दोज इन सेंसिटिव सेक्टर आर वेल सेंट टू द एमएचए फॉर सिक्योरिटी क्लियरेंस। जो फॉरेन जो नॉन क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, जो दूर दूर की कंट्री हैं, जो बॉर्डर शेयर नहीं करती इंडिया के साथ, उनको क्या कहते हैं डायरेक्ट ऑटोमेटिक रूट के द्वारा क्लियरेंस मिल जा रहा है और वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती है। लेकिन जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उसमें कुछ सेक्टर्स में क्या कहते हैं एमएचए के द्वारा एमएचए में भेजा जा रहा है, जिसमें सिक्योरिटी क्लियरेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए इस न्यूज़ में पूरा यही था। चलिए हम लोग अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है रिमेंबर जवान्स, पीएम टेल्स। इसमें उन्होंने बताया कि कारगिल वॉर की 21वीं एनिवर्सरी है, कारगिल दिवस वॉर। क्या कहते हैं इसमें पूरे में उन्हीं के बारे में बताया गया कि हमें उन्हें ऑनर करने जो आर्म फोर्सेज हैं, उन्होंने कैसे कारगिल वॉर में लड़ा और कैसे हमें जीत दिलाई, उसके बारे में पूरा ही बताया गया है। चलिए इसमें इंपॉर्टेंट आता है कारगिल दिवस, विजय दिवस, हमें उसे अलग से देख लेते हैं। कारगिल विजय दिवस क्या कहते हैं, इसकी 21वीं एनिवर्सरी अभी मनाई गई। इसका क्या कहते हैं हिस्ट्री क्या हो रही है कारगिल वॉर की, ये देख लेते हैं। 1990 हिस्ट्री क्या है कारगिल वॉर की, कारगिल दिवस वॉर की क्या कहते हैं इस बार 21वीं एनिवर्सरी थी। 1999 में इंडिया और पाकिस्तान ने लाहौर एग्रीमेंट साइन किया था, म्यूचुअली रिजॉल्व द कश्मीर इशू इन अ पीसफुल मैनर। 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाहौर एग्रीमेंट पास हुआ, पीसफुल रहने के लिए कि दोनों तरफ से शांति रहे, कोई लड़ाई ना हो। लेकिन द पाकिस्तान ट्रूप बिगेन इन्फिल्ट्रेटिंग टूवर्ड इंडियन साइड ऑन एलओसी की, लेकिन जो पाकिस्तान ट्रूप थे वो एलओसी की तरफ बढ़ने लगे धीरे धीरे करके, ऑपरेशन बद्री करके बड़ी करके बढ़ने लगे वो लोग। इंडियन आर्मी भी ने अपने ऑपरेशन विजय करके उनकी तरफ बढ़े और इंडियन आर्मी रिलीज अ बुक टाइटल फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स सेगा ऑफ वॉर फॉर्ट्यून एंड सेक्रीफाइस, विच डॉक्यूमेंट द करेज एंड ब्रेवरी वॉरियर्स एंड पोर्ट्रेट द रिच हेरिटेज एंड इथोस ऑफ द इंडियन आर्मी टू मार्क द 20th एनिवर्सरी ऑफ कारगिल वॉर। कि पिछले साल 20th एनिवर्सरी थी, उस पर ई बुक लॉन्च की गई थी, जो उस वक्त वॉरियर्स थे, जो सोल्जर्स थे, जिन्होंने ब्रेवरी इतनी दिखाई थी उस वक्त कारगिल वॉर के समय, उनके ऊपर ये रखी गई थी, उन्हीं को डेडिकेट की गई थी कि उनकी रिच हेरिटेज को मेंटेन रखने के लिए बुक बनाई गई थी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज रिड्यूस नाग रिवर टू अ कर्स लेडी। ऐसा माना जाता है, इस न्यूज़ में बताया गया है कि इस नागपुर रिवर, जो नागपुर नाग रिवर है उसी के नाम पे नागपुर रखा गया, नागपुर सिटी का नाम, उसे क्या कहते हैं उसकी जननी माना जाता है कि वहीं से वो जनरेट हुई है। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि कहते हैं ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ा है, उसके कारण ये नाग रिवर एक क्या कहते हैं एक ब्लेसिंग ना होके अभी एक कर्स हो गई है, कर्स लेडी के रूप में वर्क करने लगी, ऐसे इसमें बताया गया कि कहते हैं उसने खुद ही इसमें कहा गया कि यूज टू बी वाइब्रेंट क्लियर रिवरलेट। पहले ये नागपुर सिटी की जो रिवर है ये नाग रिवर, ये बहुत क्लियर रहती थी, बहुत अच्छी थी, ये एक तरह की मदर थी टू अ चिल्ड्रेन, नागपुर सिटी के लिए एक तरह की मदर थी ये नाग रिवर। और लेकिन अब ये एक कर्स लेडी हो गई है इस इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के कारण, और जो एलिनेशन ऑफ द रिवर बाय आवर ओन चिल्ड्रेन, जो ये गंदगी होती है रिवर के में जो लोगों द्वारा, उसके कारण ये अब कर्स लेडी बन चुकी है, मदर ना होके अब ये कर्स लेडी हो गई है। चलिए हम लोग नाग रिवर को अलग से देख लेते हैं। नाग रिवर मराठी में नाग नदी कहा जाता है, क्या कहते हैं इज अ रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द सिटी ऑफ नागपुर महाराष्ट्र इंडिया। ये नागपुर सिटी से बहती है और ये नागपुर नाम नाग रिवर पे ही रखा गया है। एटिमोलॉजी फ्रॉम द नेम नाग, ये नागपुर रिवर, नागपुर नाम नाग रिवर के नाम पे ही रखा गया है। कन्हन पेंच रिवर सिस्टम जो है, ये कन्हन पेंच रिवर सिस्टम उसका एक पार्ट है नाग रिवर, क्या कहते हैं ये बहुत ही जरूरी रिवर है। द कॉन्फ्लेक्स पॉइंट ऑफ नाग एंड पोरा रिवर इज नियर तेतुर, जो नाग और पोरा रिवर दोनों का जो कॉन्फ्लेंस पॉइंट है वो तेतुर पे है। द कॉन्फ्लेंस पॉइंट ऑफ नाग एंड कन्हन रिवर इज नियर सवानी विलेज, और नवंबर 2015 में वेरियस एफर्ट्स हैव बीन मेड टू रिस्टोर द रिवर टू द सिटीज हेरिटेज लिस्ट फ्रॉम विच हैज बीन लूज़ा जाए। और इसे 2015 से फिर से कोशिश की जा रही है कि नाग रिवर को एक रिकॉग्निशन मिल सके और एक सिटी हेरिटेज लिस्ट में आ सके। 2001 में इसे हटा गया दिया गया था सिटी हेरिटेज लिस्ट से, लेकिन फिर से कोशिश की जा रही है 2015 से कि इसे सिटी हेरिटेज लिस्ट में लाया जा सके। द रिवर सर्व्स एज अ ड्रेनेज फॉर नागपुर एंड एज अ रिजर्व, इट्स इकोसिस्टम इज हैवली पॉल्यूटेड बाय द अर्बन वेस्ट फ्रॉम द सिटी। कि इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो जो नागपुर का ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरा रिवर पर है, क्या कहते हैं, और इसी कारण ये इकोसिस्टम को डैमेज कर रही है और पॉल्यूटेड हो रही है अर्बन वेस्ट के कारण जो सिटी से आते हैं।
तो इसीलिए ये अब इसलिए न्यूज़ में था कि ये मदर ना होके एक कर्ज लेडी हो चुकी है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है स्कैन। अब तीन एडिटोरियल है जो पूरे कंटेंट ऑफ कोर्ट में, ये पहला एडिटोरियल है ये स्कैंडलाइजेशन वाला, स्कैंडलाइजेशन एज कंटेंप्ट, दूसरा आता है चिलिंग इफेक्ट ऑफ क्रिमिनल कंटेंप्ट, और तीसरा है द मोसर साइकिल एंड द आर्ट ऑफ कोर्ट मैनेजमेंट। ये तीनों एडिटोरियल कोर्ट ऑफ कंटेंप्ट में है। चलिए पहले हम लोग कोर्ट ऑफ कंडक्ट देख लेते हैं, उसके बाद ये देखेंगे एडिटोरियल। हम लोग कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट, कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट होता है द एक्सप्रेशन कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डिफाइन किया गया था, लेकिन कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के बाद इसे कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट को जोड़ दिया गया, एक तरह से एक बना दिया गया। कंटेंप्ट रिफर्स टू द ऑफेंस ऑफ शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू द डिग्निटी ऑफ अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। ये कंटेंप्ट मतलब होता क्या है, कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट मतलब, कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट मतलब होता है कि डिसरिस्पेक्ट शो करना किसी भी कोर्ट के लिए या किसी अथॉरिटी के लिए, तो उसका मतलब कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट मतलब कि डिसरिस्पेक्ट शो करना कोर्ट के खिलाफ। सिविल कंटेंप्ट होता है इट इज़ विलिंग डिसओबीडियंस टू एनी जजमेंट। सिविल कंटेंप्ट मतलब होता है कहते हैं किसी जजमेंट पे अपना डिसओबीडियंस दिखाना, उस जजमेंट को सही ना बताना, उसको गलत समझना और उसको उतने मन से स्वीकार ना करना, इसका सिविल कंटेंप्ट मतलब। क्रिमिनल कंटेंप्ट होता है इफ इट इज़ एन एनी पब्लिकेशन विच में रिजल्ट इन स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट बाय लोअरिंग इट्स अथॉरिटी। कि स्कैंडलाइज करना कहते हैं किसी कोर्ट को, वो क्रिमिनल कंटेंप्ट के अंदर आता है। कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट 1971, जो जिसके द्वारा कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट आया, कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट 1971, उसमें था कि द एक्ट डिफाइंस द पावर ऑफ कोर्ट टू पनिश फॉर द कंटेंप्ट रेगुलेट द प्रोसीजर। कहते हैं कि इस एक्ट के तहत पावर होती है कोर्ट के पास वो कि उसके कंटेंप्ट को पनिश करना और रेगुलेट करना पूरे प्रोसीजर को, कोर्ट के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इसे 2006 में क्या कहते हैं अमेंड किया गया था, 2006 में इसे अमेंड किया गया, जिसके बाद डिफेंस ऑफ ट्रुथ अंडर सेक्शन 13 ऑफ द ओरिजिनल लेजिस्लेशन इसमें जोड़ दिया गया कि इम्प्लाइंग द कोर्ट मस्ट परमिट जस्टिफिकेशन बाय ट्रुथ एज अ वैलिड डिफेंस इफ इट इज सेटिस्फाइड व्हेन इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट। कि ट्रुथ को भी एक वैलिड डिफेंस मानना अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो। इसके पनिशमेंट क्या है कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट के देख लेते हैं हम लोग। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर टू पनिश फॉर कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट। लगभग 6 मंथ की सज़ा, सिंगल इम्प्रेसमेंट फॉर टर्म अप टू 6 मंथ, और 2,000 तक का फाइन, और दोनों दोनों चीज़ भी हो सकती है। 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने हैज़ रूल्ड दैट इट्स पावर टू पनिश फॉर कंटेंट नॉट ओनली ऑफ इटसेल्फ बट आल्सो ऑफ हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के बाद कहा कि वो क्या कहते हैं सिर्फ अपने, जब सुप्रीम कोर्ट पर कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट लगे तभी नहीं पनिश कर सकता, अगर हाई कोर्ट सबॉर्डिनेट को किसी भी कोर्ट में लगे कंट्री के किसी भी कोर्ट में तो उसे पनिशमेंट दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। फिर एक तरफ हाई कोर्ट ने भी कहा कि हाई कोर्ट हैव गिवन स्पेशल पावर टू पनिश कंटेंप्ट ऑफ सबॉर्डिनेट को, और हाई कोर्ट ने कहा कि वो भी सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है उनको अगर हाई कोर्ट चाहे तो उनको भी पनिशमेंट दे सकता है जो कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट करते हैं, जो सबॉर्डिनेट जो उससे छोटी कोर्ट है उनके ऊपर। नीड क्या है कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का, इसका नीड है द पर्पस ऑफ कंटेंप्ट जुरिसडिक्शन टू अपहोल्ड मैजिस्ट्रेट डिग्निटी ऑफ द जुडिशरी। कि ये डिग्निटी जो जुडिशरी की है उसे मेंटेन रखना और उसको कोई डैमेज ना कर पाए, इसलिए कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की ज़रूरत है। ये हेल्प करेगा जजेस को ड्यूटी ऑफ डिसाइडिंग केसेस विदाउट फियर फेवर अफेक्शन और इल विल। कहते हैं कि किसी भी जज को किसी के दबाव ना आके डिसीजन लेना पड़े, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई उसे फियर ना कर पाए, डरा ना सके, कोई फेवर ना कर सके, अफेक्ट ना कर पाए, इसलिए इसे ज़रूरी है। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या है, आर्टिकल 129 बताता है कि सुप्रीम का कोर्ट को डिसीजन देता है कि वो कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट के को पनिशमेंट दे सके। आर्टिकल 142(2) बताता है कि सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेट करे और पनिश करे कोई भी इंसान जो इस कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट को करता है। आर्टिकल 215 बताता है कि ये हाई कोर्ट को पावर देता है कि कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट वाले इंसान को पनिश करे। इसके लिए पूरा एडिटोरियल हम लोग देखते हैं। चलिए एडिटोरियल 3 इसमें बताया गया कि जैसे हमने इसमें कहा है द इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स फॉर क्रिमिनल कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट लॉयर एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण। कि प्रशांत भूषण के ऊपर कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट लगा है कि उन्होंने कई कहते हैं कई बातें की, कई ट्वीटें की हुई, अभी भी रिसेंटली एक ट्वीट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर,
उसके बारे में ही उसी को ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जा रहा है कि वो कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके कहते हैं उनके जजेस की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। इसमें कहा गया ही हैज़ मेड एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट जजेस इन द पास। उन्होंने कई बार जजेस के ऊपर करप्शन का केस भी किया है कि वो गलत है, और कई जगह पे कि वो करप्शन के उसमें आते हैं अगेंस्ट जजेस, ऐसा उन्होंने कहा है। और रिसेंटली उन्होंने दो ट्वीट्स किए हैं, वन ऑन अ जनरल कमेंट ऑन द रोल ऑफ चीफ सम जी इन द लास्ट 6 ईयर, जो पीछे के कुछ पिछले स्पीच के जो 6 सालों के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनके ऊपर कमेंट किया है कि कैसे उनका रोल रहा। और अभी रिसेंटली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके ऊपर उनकी एक फोटोग्राफ ट्वीट की और उसके ऊपर भी कमेंट किया, ऐसा उनके ऊपर एलिगेशन आया है। ये इसका रीज़न क्या होता है? द रीज़न वाई द कंसेप्ट ऑफ कंटेंट एग्जिस्ट इज टू इंसुलेट द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम अनफेयर अटैक्स, की इस तरह की कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट होना इसलिए जरूरी है कि जो अनफेयर अटैक्स होते हैं, कुछ लोग जानबूझ के अटैक करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जजेस के ऊपर, कि वो उनके दबाव में आ जाएं और क्या कहते हैं उनके पक्ष में डिसीजन ले लें, तो इस ऐसा भी लोग कुछ लोग करते हैं। तो इसमें यही कहा गया कि रीज़न ये कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का होना इसलिए भी जरूरी है कि कोई उससे डर ना सके, और अगर कोर्ट सही है तो कोर्ट के खिलाफ कोई आवाज़ ना उठा पाए, तो इसलिए भी इसे होना जरूरी है। इसमें भी कहा गया दिस नीड टू रिस्पेक्ट द अथॉरिटी एंड डिग्निटी ऑफ द कोर्ट ऑफ द मोनार्कल रीजन। ये किंग ऑफ इंग्लैंड ने इसलिए चालू किया था कि उसकी जो अथॉरिटी है या कोर्ट्स हैं उसको रिस्पेक्ट की दी जाए, ऐसा इसलिए इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनाया गया था। द यूके लॉ मिशन जो 2012 में था, उसने रिपोर्ट का रिकमेंडिंग द अबॉलिशन ऑफ द लॉ ऑफ कंटेंट सेड दैट द लॉ वाज ओरिजिनली इंटेंडेड टू मेंटेन अ ब्लेज ऑफ ग्लोरी अराउंड कोर्ट्स, कि यूके लॉ मिशन 2012 में उन्होंने इसे कहते हैं अबॉलिशन की बात की, कि ये शुरुआत इसलिए हुई थी कि एक ग्लोरी रहे, कहते हैं जो कोर्ट्स हैं उनकी एक मेंटेन रहे, रिस्पेक्ट मेंटेन रहे, इसलिए इसे चालू किया गया था। लेकिन ये अब दूसरी तरफ जा रहा है, इसलिए गलत है। इसमें बताया गया है कि कहते हैं कि मिस्टर प्रशांत भूषण ने, सीनियर लॉयर है वो काफ़ी ज़्यादा, और एक एक्टिविस्ट भी, उन्होंने एक फोटोग्राफ ट्वीट की है रिसेंटली, जो चीफ जस्टिस है हमारे एस ए बोब्ड, उनकी एक फ़ोटोग्राफ की है जिसमें वो एक बहुत महंगी मोटरसाइकिल राइड कर रहे हैं, वो भी लॉकडाउन के समय। एक लॉकडाउन के समय इतनी महंगी बाइक कैसे वो राइड कर रहे हैं, उसी पर क्वेश्चन इसमें अराइज होता है, वो इसीलिए ऐसे उन्होंने ट्वीट किया है। इसमें ये भी लिखा है एडिटोरियल में कि द कोर्ट्स आर शट बिकॉज द वर्ल्ड इज इन लॉकडाउन, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज हार्डली टू ब्लेम फॉर दिस, एंड द फोटोग्राफ ऑनली शोड हिम क्लैड इन कैजुअल वेयर स्टैंडिंग ऑन अ स्टेशनरी मोटरसाइकिल टू गेट द फील ऑफ इट, कि वो कहते हैं लॉकडाउन पूरा उस वक्त वर्ल्ड लॉकडाउन में था, और चीफ जस्टिस इंडिया भी को ब्लेम नहीं किया जा सकता कि वो एक फोटोग्राफ के लिए उन्हें बैन किया जाए, कि वो एक गाड़ी में बैठे हैं कैजुअल वेयर में बैठे थे, तो वो उन्हीं की बाइक है या वो बैठ नहीं सकते किसी बाइक में, तो ऐसा नहीं कहा सकता है। इसमें यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे एक थ्री बेंच जज बेंच बनाई गई अरुण मिश्रा के हेडेड में, उसमें कहा गया कि मिस्टर भूषण ने कई बार अनडिटरमाइंड डिग्निटी और अथॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन के खिलाफ आवाज़ उठाई कि बहुत गलत है, कि करप्शन है इसमें, 6 साल से इसमें करप्शन चल रहा है जजेस के में, तो ऐसा उन्होंने कई बार किया है। उन्होंने एक बार 11 साल पुराना केस भी है उनके ऊपर, कि ही अलेगली सेड इन 2009 दैट हाफ ऑफ इंडिया लास्ट 16 जजेस वर करप्ट, कि 2009 में उन्होंने कहा था कि जो लास्ट 16 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो करप्ट थे, और क्या कहते हैं कई जगह उन्होंने करप्शन दिखाया और कई जगह डिसीजन उनका गलत था, ऐसा उन्होंने बहुत सारे कमेंट किए। इस पूरे एडिटोरियल में, इन तीनों एडिटोरियल में ये दिया है कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर ही पूरा डिसीजन है। चलिए अगला एडिटोरियल हम देखते हैं, गवर्नेंस टेस्ट। यह है कि इसमें कहा गया है कि गवर्नर शुड नॉट एक्ट एट द बिहेस्ट ऑफ द पार्टी रूलिंग एट द सेंटर, कि वो एक जो सेंटर पार्टी उसकी एक मेंबर के रूप में ना वर्क करना चाहिए गवर्नर को, ऐसे इसमें कहा गया है। इसमें कहा गया राजस्थान गवर्नर जो कलराज मिश्रा है, उन्हें फ्लोर टेस्ट नहीं कराया, फ्लोर टेस्ट इन द स्टेट असेंबली टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैज मेजोरिटी, कि उन्होंने फ्लोर टेस्ट नहीं कराया चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत का, कि उनको मेजोरिटी दिखाने के लिए, और ये केस क्या कहते हैं हाई कोर्ट में चला गया, राजस्थान हाई कोर्ट में चला गया। अगर वो असेंबली में ही करा लेते फ्लोर टेस्ट, तो कहते हैं ऐसा डिसीजन नहीं आता, हाई कोर्ट में जाता ही नहीं केस। इसमें इंपॉर्टेंट आता है फ्लोर टेस्ट, पहले हम फ्लोर टेस्ट देख लेते हैं फिर आगे कैटेगरी देखेंगे। फ्लोर टेस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है,
ये देखने के लिए कि कौन क्या कहते हैं कौन कौन मेंबर गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, उस वक्त की जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए ये किया जाता है। दिस वोटिंग प्रोसेस भी हैपेंस इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और द लोकसभा एट द सेंट्रल लेवल। ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है स्टेट लेवल में, और क्या कहते हैं लोकसभा में सेंट्रल लेवल में। टेक्निकली द चीफ मिनिस्टर से अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, जो चीफ मिनिस्टर होता है किसी भी स्टेट का वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ये। और क्या कहते हैं जो चीफ मिनिस्टर होता है बिलोंग्स टू द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और द कॉलिशन। ये सबको पता है कि जो स्पीकर होता है वो भी एक वोट कास्ट कर सकता है अगर वो चाहे, उसका मन हो तो करे, ना करे ना चाहे तो नहीं, ऐसा भी एक डिसीजन होता है। हाउएवर एट टाइम्स गवर्नमेंट मेजोरिटी कैन बी क्वेश्चन, कि कई बार गवर्नमेंट की मेजोरिटी क्वेश्चन की जा सकती है, तो ये फ्लोर टेस्ट होना काफ़ी आम बात है और हो भी सकती है जल्दी। इफ़ सम एमएलए रिमेन एबसेंट और एबसेंट फ्रॉम वोटिंग द मेजोरिटी इज काउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर कोई एमएलए एबसेंट रहते हैं या ना ही प्रेजेंट रहते हैं वोटिंग के समय, तो उनकी वोटिंग नहीं काउंट होती है, जो उस वक्त प्रेजेंट रहेंगे उन्हीं लोगों की से वोटिंग फ्लोर टेस्ट में काउंट होती है। ये वोटिंग प्रोसेस ओरली भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या बैलेट प्रोसेस से भी कराया जा सकता है। द गवर्नर कैन ऑल्सो आस्क चीफ मिनिस्टर टू प्रूव हिज ओवर मेजोरिटी इन द हाउस ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कम्स इन टू क्वेश्चन, कि अगर स्टेबिलिटी गवर्नमेंट की क्वेश्चन में आ जाती है तो क्या कहते हैं गवर्नर आस्क पूछ सकता है चीफ मिनिस्टर से कि अपनी मेजोरिटी दिखाओ। चलिए अगली न्यूज़ देख अगला एडिटोरियल देखते हैं, नहीं इसी एडिटोरियल को आगे देखते हैं। इसमें वही कहा गया कि इसके कारण गवर्नर के एक्शन के कारण ये केस राजस्थान हाईकोर्ट में चला गया और पूरा एडिटोरियल इसी के बारे में कहा गया। इसमें ये भी कहा गया द सीएम हैज सेड द गवर्नर इज एक्टिंग द गवर्नर इज एक्टिंग अंडर द प्रेशर फ्रॉम द सेंटर एज ही टुक द बैटल टू द स्ट्रीट्स, कि गवर्नर पूरी तरह सेंट्रल लेवल सेंटर की गवर्नमेंट के ऊपर वर्क कर रहा है, पूरा जा पूरा प्रेशर उनका उन्हीं का है सेंटर का गवर्नर के ऊपर, इसीलिए ये बैटल स्ट्रीट पे चला गया, इतना ज़्यादा कहते हैं प्रोटेस्ट हो रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है कि राजस्थान हाईकोर्ट में गया, नहीं तो गवर्नमेंट गवर्नर चाहता तो ये ऐसा ना होता, आराम से डिसीजन हो सकता था, मेजोरिटी दिखाई जा सकती थी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है रमेश क्रिटिसिज्म ऑफ रमे ई आई ए नोटिफिकेशन अनफाउंडेड, कहते हैं जो ई आई ए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट उसकी नोटिफिकेशन पे एक क्रिटिसिज्म हुआ है उसके बारे में इसमें बताया गया है। इंपॉर्टेंट आता है ई आई ए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, उसको हम लोग देख लेते हैं अलग से। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक फॉर्मल प्रोसेस होता है इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस को कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के द्वारा हुआ उसके लिए इसे कराया जाता है। रेशनल बिहाइंड ई आई ए क्या होता है, ई आई ए लिक्स इंटू वेरियस प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्स इन नेचुरल रिसोर्सेज, ये कई प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्स को देखता है और नेचुरल रिसोर्स के कि कौन से डिसीजन के कारण इन्वायरमेंट को हैमेज हो डैमेज हो सकता है उसके बारे में ये देखता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है माइट हार्म टू द पीपल देयर लैंड लिवलीहुड्स एंड एनवायरमेंट, कि कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसके कारण किसको हार्म पहुँचेगा ज़्यादा, कि पीपल लैंड लिवलीहुड्स एनवायरमेंट कितना डैमेज पहुँचेगा और किस तरह का डैमेज पहुँचेगा उसके बारे में इसमें जानकारी प्रोवाइड होती है। वंस दीज पोटेंशियल हार्मफुल इम्पैक्ट्स आर प्रिडिक्टेड द ई आई प्रोसेस आइडेंटिफाई द मेजर टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट्स, जब ये पता चल जाता है कि कितना इम्पैक्ट करेंगे ये हार्मफुल इम्पैक्ट्स करेंगे तो क्या कहते हैं उसके बाद इसकी मिनिमाइज करने के लिए भी एक्शन लिया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतनी न्यूज़। चलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर दबा दें और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।